माधव वो सोफा बिक गया। क्या बात कर रही हो सच्ची? हाँ, और ये तो पूछ कितने में गया है। कितने में? 12 डाले थे, 12 में ही मान गया। यार मम्मी आप तो कह रही थी 12 डालेंगे तो 5-6 में निकलेगा, आपके तो मजे आ गए। पता नहीं कैसे मान गया। कौन ले रहा है? कोई ऐसा वैसा नहीं है, आर्मी ऑफिसर है, नया नया ट्रांसफर हुआ है, फर्नीचर ढूंढ रहा है। अच्छा कब आएगा लेने? कह रहा था लेने आने का तो टाइम ही नहीं है, किसी लड़के को भेज देगा। बिना देखे ले रहा? अरे छोड़ना, उसने एक QR कोड भेजा है, कह रहा था इसको स्कैन कर लेना पेमेंट मिल जाएगी। QR कोड से पेमेंट रिसीव? मम्मी एक नंबर का फ्रॉडी आएगा आदमी। लगा तो नहीं बात करने से। मम्मी UPI कहता है कि QR कोड स्कैन बस पेमेंट करने के लिए करते हैं, रिसीव करने के लिए नहीं करते। अभी कट गया था ना आपका बुद्धू। ले फिर आगे से क्या करना चाहिए? मम्मी UPI अपने आप में बिल्कुल सेफ है, लेकिन हमें अपने पैसों का ध्यान तो खुद रखना पड़ेगा ना, ज्ञान से ध्यान से। मम्मी किसी पे भी ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए, ये स्कैमर लोग अपने आप को आर्मी ऑफिसर बता के तो आप लोगों का भरोसा जीतते हैं। अब आने दे उसका फोन, बताऊंगी उसे। मम्मी बात भी करने की जरूरत नहीं है ऐसे फ्रॉडियों से। बात तो करूंगी उस फ्रॉडिया की।